Hello everyone, myself Santosh Chaubey. Today we shall continue the lecture series of the Constitutional Development of India. आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813 अर्थात चार्टर अधिनियम 1813. देखिए कहते हैं ना कि कंपनी भारत में आई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भारत आकर के अपने सपनों के पंख के साथ में उड़ान भी भरने लगी थी. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कहते ना कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है और सबको झुकने पे मजबूर कर देता है. तो जिस ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को सहारा दिया था और जिस कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार को फर्श से अर्श पर लाके खड़ा कर दिया था, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिससे कहना चाहूंगा कि कंपनी के जो पर थे वो पर एक एक करके कटने शुरू हो गए थे. कहते हैं ना कि वक्त की बेदर्द हवा में न जाने कितने ही ख्वाब गर्द हो जाते हैं. वक्त की बेदर्द हवा में न जाने कितने ही ख्वाब गर्द हो जाते हैं और नसों में लहू के सोलों के शौकीन भी बरबक सर्द हो जाते हैं. आइए देखते हैं हम लोग कि चार्टर 1813 में जो प्रावधान किए गए उन प्रावधान की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बैकग्राउंड क्या थे और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि वो प्रावधान क्या थे. चलिए हम लोग पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. देखो मैं बताना चाहूंगा कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें एक प्रावधान किया गया था कि कंपनी को जो व्यापारिक सहूलियतें मिल रही हैं, जो ट्रेड प्रिविलेज प्राप्त हो रहे हैं, दीज प्रिविलेज आर ओनली फॉर 20 ईयर्स एंड विद इन 20 ईयर कंपनी हैज टू रिन्यू इट्स चार्टर. और यह कह दिया गया था कि 20 वर्ष के बाद कंपनी अपने चार्टर का नवीनीकरण फिर से करा ले. माय डियर फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स 20 ईयर्स ऑन ए पेपर इज ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बट टू लीव 20 ईयर इज नॉट ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आइदर इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ स्टेट. चाहे वह राष्ट्र की बात हो चाहे व्यक्ति की बात हो, 20 वर्ष का समय छोटा समय होता नहीं है. हालांकि कागजों में छोटा समय यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन जीने के लिए यह बहुत लंबा समय है. विद इन 20 ईयर्स वी ब्रिटेन एज वेल इंडिया विटनेस सम कैटाक्लाइज्मिक चेंजेस. 20 वर्ष के अंदर भारत में भी और ब्रिटेन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए और ये परिवर्तन राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में दृष्टिगत होते हैं. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ग्रेट ब्रिटेन था 1801 में वह बन गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. एक क्षेत्र एक देश जिसका नाम था उत्तरी आयरलैंड, उसको 1801 में ट्रीटी ऑफ यूनियन के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया गया था. अब देखो एक नए देश में नए जुड़ने वाले लोग, उनकी नई मांगे, उनके नए जज्बात, और इन लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक सहूलियतें दी जा रही है, दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. कैसा मुल्क है ग्रेट ब्रिटेन के कंपनी को विशेष सहूलियतें दी जा रही है और अन्य लोगों को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है. तो वहां के लोगों ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें भी वही सुविधाएं चाहिए जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हो. नंबर टू कि जो राजनीतिक परिदृश्य है वहां का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वह बहुत तेजी से बदल चुका था. पिछली अगर हम लोग सरकारों की बात करें तो वहां पर जो विक्स पार्टी थी, जो लिबरल पार्टी थी, उसकी सरकारें बन रही थी. लेकिन 1806 में वहां पर लिवरपूल प्रधानमंत्री बने थे और वहां पर जो सरकार बनी थी वो सरकार बनी थी टोरीज मतलब कंजर्वेटिव पार्टी की. कंजर्वेटिव हर मामलों में कंजर्वेटिव थे, हर मामलों में पुरातन पंथी थे, लेकिन एक मामलों में वे नवीन पंथी थे और वह था उनका व्यापार. व्यापार के क्षेत्र में उनकी यह सोच थी कि कंपनी का अधिकार समाप्त होना चाहिए और अन्य लोगों को भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए. नंबर तीन एक नई शख्सियत ने पूरे यूरोप की धरती को हिला के रख दिया था और वह नई शख्सियत का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट ने 43 युद्धों के माध्यम से लगभग 60 लाख
निरी जनता का कत्लेआम किया था। उसके घोड़ों की टापों की आवाज से यूरोप का जर्रा जर्रा थर्रा चुका था और ब्रिटेन भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि ब्रिटेन को जीत नहीं पाया था, लेकिन उसने ब्रिटेन को हराने के लिए आर्थिक नाकेबंदी शुरू की और एक सिद्धांत चलाया जिस सिद्धांत का नाम है कॉन्टिनेंटल थ्योरी, महाद्वीपीय सिद्धांत। और उस सिद्धांत में उसने यह कह दिया कि जो भी मुल्क, जो भी राष्ट्र अगर ब्रिटेन के साथ में कोई भी व्यापारिक संबंध रखेगा तो मैं उसका हुक्का पानी बंद करा दूंगा। और इस प्रकार से जो यूरोप के देश थे वे भयाक्रांत हो गए। उन्होंने इंग्लैंड के व्यापारियों से और या सॉरी यूनाइटेड किंगडम के जो व्यापारी थे, इन व्यापारियों से उन्होंने कोई भी मतलब से आप संबंध रखना उचित नहीं समझा। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटेन के व्यापारी हैं उन्होंने अपनी सरकार से मांग करनी शुरू कर दी, हम जाएं तो जाएं कहां। और नंबर चार, कि भारत की बात अगर हम लोग करें तो भारत में जिन मराठों के घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं के दिल दहल जाया करते थे, उन मराठों के घोड़ों की टापों की आवाज किसी बियावान में खो चुकी थी। जिस मैसूर परिवार ने, टीपू सुल्तान के परिवार ने अंग्रेजों को सबसे अधिक मुश्किलों में डाला 1798 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें पूरी तरीके से मैसूर का राज्य जो है वह नतमस्तक हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिन राजपूतों के नसों की में बहती भी लहू की गर्मी से अंग्रेजों के फौलादी सीने भी झुलस जाया करते थे, वे उन राजपूतों ने भी अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करके अपने आप को उनका अधीनस्थ कर दिया। कोई नहीं था अब यहाँ पे अंग्रेजों के सामने, तो जाहिर सी बात है खुला मैदान था। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके 1813 का चार्टर अधिनियम फ्रेम किया गया, बनाया गया। आइए देखते हैं हम लोग किसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, क्या क्या प्रोविजंस किए गए। तो यहां पे हम लोग यहां पर देख लें, यह हो गया चार्टर एक्ट 1813। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी है उस कंपनी का कि जो मोनोपोली थी व्यापार पर एक अधिकार था। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की तरफ से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार करेंगे। तो जो कंपनी का मोनोपोली था उस मोनोपोली को एबॉलिस्ट कर दिया गया, अर्थात कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उस व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो यह जो है यह समाप्त घोषित कर दिया गया, तो व्यापारिक एकाधिकार के समाप्ति की घोषणा हो गई। अब मैं यहां पर बताऊं कि जो मांगे हो रही थी महाद्वीपीय सिद्धांत के आने के कारण से, वहां पे राजनीतिक जो है वो सरकारों के राजनीतिक क्षेत्र में सरकारों के बदल जाने से वहां पे जो उद्योगपति हैं, उन उद्योगपति जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को उद्योगपति के रूप में कन्वर्ट हो जाने से, इन सारी बातों के आलोक में जो है यह कंपनी का एकाधिकार जो है वह समाप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस एकाधिकार की समाप्ति का एक अपवाद भी है, और अपवाद है चाय का व्यापार और चीन के साथ किया जाने वाला व्यापार। मैं बताऊं आपको कि देखिए, भारत में चाय की अच्छी खासी खपत होती थी और इसकी आपूर्ति करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, लेकिन भारत में चाय की खेती होती नहीं थी। भारत में चाय का सबसे पहला पौधा है, इतिहास के किताबों के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि सबसे पहली चाय का जो पौधा है यह लगाने वाला व्यक्ति था असम का मनी राम दीवान, जिसने 1806 में चाय का पहला प्लांट लगाया था। चाय की खेती 1837 में अंग्रेजों ने असम के छबुआ पहाड़ पर आरंभ किया, लेकिन भारत में चाय जो है वो अंग्रेज लोग काफी लंबे समय से लेकर आते थे, और वो लाते थे चीन के बाजार से, और चीन तक जाने के लिए अंग्रेजों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि भारत के लोग को चीन वाले चाय पिलाते थे और हम लोग उनको बदले में अफीम खिलाते थे। तो कंपनी है उस कंपनी को जाने में, चीन जाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि जिस कंपनी के कारण से हमारा देश वह सिरमौर बना है, उस कंपनी के साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफी ना की जाए, और नहीं तो कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और कंपनी वह गाना गाएगी। कौन सा गाना,
कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो, कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो, मोहब्बत हमसे वफा गैरों से ये हुनर कहां से लेकर आते हो। और करवटे लिए आजकल सो जाता हूं मैं जब कभी भी तुम मेरी यादों में चले आते हो, जब कभी भी तुम मेरी यादों में चले जाते हो। तो कंपनी को इतना बड़ा दर्द ब्रिटेन की सरकार दे नहीं सकती थी, इसलिए कंपनी का एक अधिकार तो समाप्त हुआ। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो टी ऑफ ट्रेड था एंड टी एंड ट्रेड विद चाइना था, चीन के साथ किए जाने वाले व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना के रखा गया। 1833 आएगा तो वहां पर चीन और चाय के साथ के चाय का व्यापार जो है उसका एकाधिकार भी समाप्त किया जाएगा। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कंपनी का एकाधिकार की समाप्ति घोषणा कब होती है, तो आंसर जाएगा 1813 के अधिनियम के माध्यम से। और पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पे कंपनी का कार्यकार रखा गया था, तो यह हो जाएगा चाय का व्यापार और दूसरा है चीन के साथ किया जाने वाला व्यापार। नंबर टू, देखो ब्रिटेन के जो लोग थे वे क्या थे, वे थे मुख्य रूप से ट्रेडर या व्यापारी। लेकिन व्यापारियों ने काफी पैसा कमा लिया और जाहिर सी बात है कंपनी भले घाटे में जा रही हो लेकिन उनको तो मुनाफा हुआ क्योंकि लूज खसोट उन्होंने खूब मचाया भारत में। अब उस पैसे को वो कहां लगाना चाहते थे, उद्योग धंधों में लगाना चाहते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो उद्योगपति है और जो व्यापारी है दोनों की जरूरतें अलग अलग होती है। व्यापारी को क्या चाहिए, एक अच्छा बाजार चाहिए। लेकिन जो उद्योगपति है उसे चाहिए कच्चा माल, उसे चाहिए सस्ते श्रमिक और उसे सबसे अधिक चाहिए एक अच्छा बाजार। और ये सब कहाँ उपलब्ध था, एशिया और अफ्रीका के देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में। तो वहां के व्यापारियों ने यह मांग करने शुरू कर दी थी कि भारत का व्यापार जो है हमारे लिए खोला जाए। वो तो खोल दिया गया लेकिन दूसरी बात थी कि उनका माल जो है वो खपे कैसे भारत में, क्योंकि मशीनों से बनी हुई जो माल थी वो भारत में खपानी थी। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि यह व्यवस्था की गई, यह जो है विचार किया गया इसको खपाने का तरीका क्या है। तो खपाने का एक ही तरीका है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाए। देखो शिक्षा एक ऐसी विधि है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी के भी दिल दिमाग को हरा जा सकता है। और यही कारण है कि औरंगजेब ने जब अपने पिता को कैद किया तो शाहजहां से पूछा कि अबू जान ये बताओ आपकी ख्वाहिशें क्या हैं। तो उसने कहा कि बेटा मेरी दो ख्वाहिश है, पहली ख्वाहिश तो यह है कि सुबह में मुझे खाने के लिए चना दिया जाए और दूसरी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे जो है पढ़ाने के लिए बच्चे दिए जाएं। उसने कहा कि आपको चना मिलेगा, आपको वहां बंद किया जाएगा जहां से आप हमारी माँ के जो मजार है उस मजार का दर्शन कर पाओगे, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए विद्यार्थी नहीं दे सकता क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ा दूं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे कंपनी को कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भारत में किया जाएगा, भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाई जाएगी, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने माल को खपाने में आसानी मिलेगी और दूसरी बात है जब मुसीबत में आएंगे तो अंग्रेजी जानने वाले लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हो जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल यह था कि यह पैसा जो खर्च किया जाएगा शिक्षा पर उसको खर्च कौन करेगा। तो कंपनी कमा रही थी तो कंपनी से कहा गया कि आप शिक्षा के मत पर कम से कम 1,00,000 रुपए खर्च करें। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हो गया वो यह हो गया कि द कंपनी वाज डायरेक्टेड टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 1,00,000 ऑफ रुपीज। कंपनी से कहा गया कि आप शिक्षा के मत पर कम से कम 1,00,000 रुपए खर्च करें। बट दैट मनी कुड नॉट बी इन्वेस्टेड अंटिल 1835, लेकिन 1835 तक इस पैसे को खर्च नहीं किया जा सका। आप पूछोगे कारण क्या है, तो मैं बताऊं आपको इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण यह है कि अंग्रेजों में से भी कुछ लोग थे जिनका यह मानना था कि भारत का इतिहास, भारत का साहित्य अपने आप में समृद्ध है, भारत की भाषाएं अपने आप में समृद्ध है, इसलिए हम अंग्रेजों की भी शिक्षा अगर कुछ देना चाहते हैं तो हम भारतीय भाषाओं में दें। ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट या
प्राच्यवादी कहा गया और इसके सबसे बड़े पक्ष पोषक थे आपके जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार पढ़ा था। और दूसरे वर्ग में थे ट्रेवेलियन, जिनका यह मानना था कि भारतीय साहित्य में कोई दम नहीं है, भारत के विज्ञान में कोई दम नहीं है। उनका यह कहना था कि अंग्रेजों का विज्ञान, अंग्रेजों का साहित्य और अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई जाए, और इस तरीके से यह आंग्लवादी, और ये आंग्लवादी कहलाए और आंग्लवादी प्राच्यवादियों का विवाद रहा। इस विवाद के कारण से यह पैसे को खर्च नहीं किया जा सका। जब 1835 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में शिक्षा की पहली समिति बनाई गई, उस समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय हुआ कि भारत में जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो दूसरा प्रावधान हो गया वो यह हो गया कि द कंपनी वॉज डायरेक्टेड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1 लाख रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए कंपनी से 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा गया। नंबर 3, जब कंपनी चली भारत की ओर तो ताज ने पूछा, इतने दूर देश जा रहे हो व्यापार करने के लिए, चलो अब व्यापार करोगे, धन कमाओगे, हमें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, साहब हम कमाएंगे तो हम देश को कर देंगे, हम कमाएंगे तो हमारी व्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि हम उस पैसे को यही ला करके इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन दूसरे जो दो लोग थे, जो चर्च था वहां पे, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय दो पार्टियां बहुत मजबूत थी, एक तो राजा दूसरा चर्च, चर्च ने पूछा हमें क्या मिलेगा? कंपनी के लोगों का, हम जहां जाएंगे वहां पर ईसाइयत का झंडा लहराएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, धर्म एक अफीम की तरह है, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा, और इतना आसान नहीं होता किसी दूर देश में जाकर व्यापार के साथ साथ अब धर्म का प्रचार भी कर पाओ। इसलिए कंपनी ने अपने आप को इससे दूर रखा। लेकिन जब उन्होंने मराठों को एक प्रकार से कुचल दिया, जब उन्होंने एक प्रकार से, मैं कहूंगा कि उन्होंने राजपूतों के साथ में संधि कर ली, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो मैसूर का परिवार था, उस मैसूर के परिवार को उन्होंने तार तार कर दिया, अब कोई नहीं था उनके सामने। तो इस प्रकार से कहा गया कि अब यहां पर व्यापार के साथ में सिख में धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। और चार्ल्स मैगलेज ने एक बार ब्रिटेन की संसद में कहा भी था कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव द Empire of India and we have the fond desire to unfurl the flag of Christianity all over its corner, कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हमें भारत का राज मिला है, और हमारी इच्छा यह है कि ईसाइयत का झंडा भारत के हर एक कोने में फहराए। तो अंग्रेजों की जो मंशा थी, अंग्रेजों की जो दिली इच्छा थी, उस दिली इच्छा को पूरा करने का समय आ गया था। और तीसरा नंबर में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं, उन्हें भारत में प्रोपगेशन राइट ऑफ टू प्रोपगेट रिलीजन, उन्हें भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई, उन्हें भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। और इसके लिए कलकत्ता में एक बिशप और 3 पादरियों के प्रावधान भी किए गए। नंबर 4, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज अभी पड़ा हुआ था, बैंक ऑफ इंग्लैंड का उनका कर्जा चल रहा था। तो कंपनी से कहा गया कि भाई आपको जो भारत से राजस्व की प्राप्ति होती है, जो भारत से पैसे आ पा रहे हो, इनको सिर्फ 3 मद पे खर्च करो। नंबर 1, सेना पर। नंबर 2, ब्याज की अदायगी पर। और नंबर 3, प्रशासन पर। और इसके अतिरिक्त आपको पैसा कहीं भी खर्च नहीं करना है। तो इस प्रकार से द कंपनी वॉज डायरेक्टेड टू इन्वेस्ट इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया इन ऑन 3 काउंट्स। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 इंटरेस्ट रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड नंबर 3 मिलिट्री। नंबर 5, उनको यह कहा गया कि आपको सेना तो रखना है, लेकिन आपको युद्ध से परहेज रखनी है। 1784 के अधिनियम में कह दिया गया था कि भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, साम्राज्य का विस्तार करना यह ब्रिटेन की जनता के इच्छा और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसके विपरीत है, उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत है। 1813 में भी कहा गया कि आपको युद्ध नहीं करना है, हम बस आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए, प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए आपको सेना रखनी है। तो कहा गया कि आप भारत के खर्चे पर सिर्फ 29,000 तक की सेना रख सकते हो। साथ ही साथ जो 1784 के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसमें 6 सदस्य होते थे, उनके अधिकार में वृद्धि की गई। कहा गया कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स
और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्य सेनापति है, जब उनकी नियुक्ति होगी तो उनकी नियुक्ति के समय, सबसे पहले तो ताज से अनुमोदन या अप्रूवल लिया जाना जरूरी होगा। और नंबर टू कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड होगा उसका सिग्नेचर की जरूरत होगी, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आप कह सकते हो यह अधिकार में वृद्धि की गई। यह कहा गया कंपनी से कि आप जब अपने बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करिए तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ताज दोनों से आपको अनुमति लेना जरूरी है। नेक्स्ट, लोकल ऑफिशियल्स वेर एम्पावर्ड टू नॉट ओनली इम्पोज लोकल टैक्सेस बट ऑल्सो टू कलेक्ट इट। जो स्थानीय अधिकारी थे उनको यह अधिकार दिया गया कि न सिर्फ आप स्थानीय स्तर पर कर लगा सकते हो बल्कि उसको वसूल करने का अधिकार भी आपके पास होगा। और यह कहा गया कि आप चाहो तो भारत में बस सकते हो। 1813 के पहले अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति थी लेकिन बसने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाजार को खोला गया पूरी तरीके से, कहा गया कि अब अंग्रेज लोग चाहें तो भारत में बस भी सकते हैं। हालांकि उन्हें भारत में सेटल होने के लिए, बसने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी, तो लाइसेंस के आधार पर ही भारत में बस सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके देखो मुख्य प्रावधान क्या थे। सबसे पहला प्रावधान क्या था, सबसे पहला द मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एबॉलिश्ड, कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया, एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना, चीन और चाय के चीन के साथ किए जाने वाले व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर के। नंबर टू, द कंपनी वाज डायरेक्टेड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1,00,000 रुपीज ऑन द काउंट ऑफ एजुकेशन। कंपनी से कहा गया कि आप कम से कम शिक्षा के मद पर 1,00,000 रुपए खर्च करें। नंबर थ्री, क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर अलाउड टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। नंबर फोर, द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया वाज टू बी इन्वेस्टेड ऑन 3 counts, नंबर 1 मिलिट्री, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन एंड नंबर 3 प्रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तीन बातों पर यह जो ब्याज है, सॉरी राजस्व को खर्च करना था, पहला तो था कि सेना के ऊपर, दूसरा था प्रशासन के ऊपर और तीसरा था ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट नंबर, द कंपनी वाज परमिटेड ओनली टू हैव 29,000 ऑफ मिलिट्री फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी से कहा गया कि प्रशासन चलाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए आपको भारत के राजस्व पर 29,000 तक इसे रखने का की छूट है। लोकल ऑफिशियल्स वी आर अलाउड टू इम्पोज लोकल टैक्सेस एंड टू कलेक्ट इट। जो स्थानीय अधिकारी थे उनको अधिकार दिया गया कि आप स्थानीय स्तर पर कर लगाइए और कर की वसूली भी करिए। और नेक्स्ट, कंपनी से कहा गया कि दिस प्रिविलेजेस आर ओनली फॉर 20 years, ये सुविधाएं, ये प्रावधान सिर्फ 20 वर्षों के लिए, 20 साल के बाद आपको अपने चार्टर का फीस रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और 20 साल 1833 में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चार्टर 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में बात की जाएगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।